बल्लभगढ़ के सेक्टर 4 में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बने एक टिन शेड में बच्चों के भविष्य का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें, इस स्कूल को संचालित करने वाली ज्योति रानी नाम की महिला बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। सरकारी जमीन बने एक छोटे से टिन शेड में ना तो पीने के पानी की व्यवस्था और न ही शौचालय का कोई प्रबंध है। ये कहे कि निजी स्कूल चलाने के नियमों को ये स्कूल कतई भी पूरा नहीं करता। साथ ही बच्चों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, ऐसे में शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि शिक्षा विभाग खुद ऐसे स्कूलों का सर्वे करने की बात करता, लेकिन वही सरकारी जमीन पर कब्जा कर टीन शेड में बने स्कूल इन सर्वे को धूर्त बताते हैं, क्योंकि उनको संचालित करने वाले लोगों को शिक्षा विभाग की न कोई परवाह है न कोई डर। ऐसे में गर्मी का समय और छत टीन, तो आप ही सोचिए कि किस तरह बच्चे पढ़ सकेंगे। वहीं इस स्कूल की संचालिका ने बताया कि ये स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है, वो किसी और स्कूल से बच्चों का नामकरण कराएंगी। साथ ही बताया कि वो एक बच्चे से कम फीस 400 रुपए महीने वसूल रहे हैं। जी, मेरा नाम ज्योति रानी है। कौन सी जगह है ये और कहाँ से स्कूल चला रहे हो? पटेल नगर सेक्टर 4 में मैंने स्कूल खोला है। मुझे ये रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन मैंने नेहरू अकेडमी स्कूल से बात करी है, तो वो सर कह रहे आप खोलो, मैं आपको पूरा सपोर्ट दूंगा जी। उनकी तरफ से ही मुझे मान्यता है। कितनी फीस रखी हुई है आपने बच्चों की? जी, मैंने इनकी 400 रुपए फीस। जब इस बारे खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने ऐसे कोई स्कूल की जानकारी न होना बताया, साथ ही प्राथमिक स्कूल के चलाने के नियम बताए। वही शिक्षा अधिकारी का कहना है कि यदि ऐसा कोई भी शिक्षा संस्थान गलत पाया जाता है तो उस संस्थान के खिलाफ विभागीय के साथ साथ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अगर गवर्नमेंट के नॉर्म्स पूरे नहीं करता तब वो नहीं चल सकता, गवर्नमेंट के नॉर्म्स पूरे ही करने पड़ेंगे। सर, इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? इसमें कार्रवाई ये स्कूल बंद भी किया जा सकता है, वो देखने पड़ेगा कि क्या है, मतलब ऐसा भी होगा कि कागज देखेंगे अगर उसमें गलत मिला और नॉर्म्स पूरे नहीं करता तो बिल्कुल बंद करने की सिफारिश की जाएगी। डीओ, अगर ऐसा स्कूल जो प्राइवेट स्कूल अगर किसी सरकारी जगह पर अवैध तरीके से बना है, किस तरह से उस पर कार्रवाई? सरकारी जगह पर तो बन ही नहीं सकता, अगर वो बन ही नहीं सकता सरकारी जगह पर, तो सरकारी जगह पर तो फिर अवैध कब्जा हो गया। सर, एक और बात है, अगर अवैध है या वो गवर्नमेंट लॉ को पूरे नहीं कर रहा है तो रिपोर्ट देंगे DW को, जो भी है जो भी कार्रवाई संभव कार्रवाई की जाएगी। हमारे डिपार्टमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि गर्मी का समय है, बच्चों को पानी पिलाना है, लगभग 3 बार कम से कम पानी पिलाना, कम से कम 3 बार, ज़्यादा बच्चा जब चाहे वो जब है 3 बार पानी पिलाना है। और ये शर्तें हैं कि पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, स्कूल का जो अधिक हाइजीन होना चाहिए और बिल्डिंग सेफ्टी, ये सर्टिफिकेट भी एडिशनल टू दिस होने चाहिए। इनके अलावा ये भी होने चाहिए, बिल्डिंग सेफ्टी भी, ऐसा नहीं बिल्डिंग ही सेफ ना हो, क्योंकि बच्चे की लाइफ तो सेफ है, बिल्डिंग सेफ्टी होनी चाहिए, वो हाइजीन का सर्टिफिकेट जो हर साल मिलता है, फायर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ये सर्टिफिकेट तो उसके पास होने ही चाहिए।